हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। आई एम शेख मुजफ्फर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस टुडेज ब्यूटीफुल सेशन। सो टुडे वी लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स प्रॉपरली। सो हियर आई हैव रिटन नंबर एंड स्क्वायर्स एंड यूनिट डिजिट। हियर आई हैव रिटन वन। So one square, that means one square, it becomes one unit digit, it becomes one. And two square, so it becomes four. So here I have written the unit digit in every cases. Here four, the square, it becomes 16. Here I have written unit digit. Here five square, so it becomes 25. The unit digit, it becomes five. So in same process, here I have written nine. So square, it becomes how much? 81. The unit digit, it becomes one. Here check it. Here this part and this part in this case. So check it, the unit digit, it becomes 1. If you take the square of 1, so you must get the unit digit 1. If you take the square of 9, so you must get the unit digit, it becomes 1. But here in this case, if you take the square of the number 4, so you must get the unit digit 6. If you take the square of this number 6, so you must get the unit digit, it becomes 6. So here I have written, if 2, 3, 7 and 8 आर द यूनिट डिजिट ऑफ एनी क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट ए रहे, टू रह सकता है, थ्री रह सकता है, सेवन और एट रह सकता है, तब उसका क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तब उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा मुझे। तो अभी मुझे किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखा हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 729। So here in this case, so first of all you have to consider the two digit number. Here I have written 29. So here what is the unit digit number here in this case? So it becomes 9. So can I write the unit digit? It becomes 9. Here it is 9. So can I write? So this part becomes, so here unit digit, it becomes 7 square. So it becomes 7 square, it becomes 49. So the unit digit, it becomes 9. So can I write? So here, so can I write 7? Can I write? This part becomes 7. And in this case, so here this is the first one, this is the 7. Ye 7 kahan pe hai? Isko check karna hai, ye 7 kahan pe hai? Dekho, 7 kahan pe hai? 2 aur 3 ka beech mein 7 hai. 2 aur 3 ka beech mein 7 hai. Tab mujhe yahan pe kya likhna hai? 2 oblique deke 3 likhna hai. Abhi mujhe check karna hai, ye dono mein small kaun hai? Agar small yahan pe 2 hai, tab ye mera answer aa jayega 27. तो मैं इसको क्या लिखेंगे, क्या 20, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? ये 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसको इस तरह से फाइंड करना है। द सेकंड प्रॉब्लम, सो कैन आई राइट, हियर आई हैव रिटन 5041। ये थ्री डिजिट नंबर है, ये फोर डिजिट नंबर है। सो कैन आई राइट स्क्वायर रूट ऑफ 505041। कैन आई राइट दिस लाइन? तो अब यहाँ पे देखो, दो डिजिट बात दे दो, तो दो डिजिट लेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट है इसका वन है। तो वन का स्क्वायर लेंगे तो इसका भी यूनिट डिजिट वन है, और नाइन का स्क्वायर लेंगे उसका भी यूनिट डिजिट वन है। तो अभी मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे दो पार्ट में भाग करना है। एक पार्ट में क्या आएगा, वन का स्क्वायर भी वन होता है, और वन का स्क्वायर भी क्या होता है, नाइन का स्क्वायर भी वन होता है, यूनिट डिजिट वन होता है। तो वन और नाइन दोनों में कोई भी एक हो सकता है। अभी देखो ये 50 कहाँ पे आ रहा है, 50 चेक करो, 50 आ रहा है। देखो 7 और 8 का बीच में है, 7 और 8 का अंदर है। देखो ये 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो इसी का अंदर है। तो 7 और 8 में स्मॉल कौन सा है, 7 है, तो वी कैन राइट 7। तो अभी मुझे चेक करना है 71 आंसर होगा कि 79 आंसर होगा। इसको चेक करने का ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो मैं नंबर लिखा हूँ 7, ये जो नंबर लिखा हूँ 7 इंटू नेक्स्ट नंबर, 7 का बाद नंबर क्या है, 8 है। तो इसको मैं चेक करेंगे, 7 इंटू 8 कितना होता है, 56। अगर 56 यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर है 50 लिखा हूँ, यहाँ पे 50 नंबर लिखा, 50 लिखा है, अगर 56 ग्रेटर देन ऑफ 56 ग्रेटर देन ऑफ 50, अगर 56 ग्रेटर देन ऑफ 50, हेयर आई हैव रिटन 56 ग्रेटर देन ऑफ 50, देन वी कैन राइट। सो अगर मेरा ये नंबर, ये जो नंबर अगर छोटा रहेगा, तब मुझे यहाँ पे स्मॉल नंबर लेना है। ये दो नंबर लिखा हूँ, 1 और 9 लिखा हूँ, तो इसका मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 71। अगर ये वाला नंबर बड़ा रहता, ये वाला नंबर अगर बड़ा रहता, इससे ये नंबर बड़ा रहता, तब मैं यहाँ पे जो लार्ज नंबर होगा वो नंबर लिखता। थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो कैन आई राइट स्क्वायर रूट ऑफ 7921।
तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 1 है, तो ये भी सेम तरीका में अप्लाई करेंगे। देखो ये 1 है, यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, वो यूनिट डिजिट है, और 9 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये भी यूनिट डिजिट है। तो ये क्या आ जाएगा, पहले 1 और 9 इसको लिख सकते हैं। तो अभी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अभी देखो यहाँ पे 79 है, 79 कहाँ पर आएगा, 79 कहाँ पे आएगा, 8 और 9 का बीच में आएगा, 79 आएगा 8 और 9 का बीच में। तब मुझे क्या लिखना है, ये दोनों में स्मॉल कौन सा है, 8 और 9, 8 है, पहले कैन आई राइट 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, 81 होगा, नहीं तो 89 होगा। इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई इट, पहले 8 का नेक्स्ट डिजिट नंबर कितना है, 8 का नेक्स्ट डिजिट नंबर कितना है, 9, 8 × 9, सो इट बिकम 72, कैन आई राइट 72। देखो यहाँ पे 72, 79 ग्रेटर देन 72, देयरफॉर 79 ग्रेटर देन 72। अगर यहाँ पे जो नंबर रहेगा, अगर 79 इस नंबर से बड़ा होगा, तब मैं क्या लेंगे, 1 और 9 का अंदर जो लार्ज नंबर होगा वो नंबर लेंगे, इक्वल और लार्ज नंबर इक्वल हो सकता है और लार्ज नंबर हो सकता है, तब मैं ये जो नंबर लिखा हूँ 1 और 9, इसका अंदर जो बड़ा डिजिट होगा वही वाला नंबर लेंगे। तब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 89, आंसर आ जाएगा 89। द फोर्थ वन क्वेश्चन, फोर्थ वन, सो कैन आई राइट 252 81। यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, तो इसको मैं क्या लिखेंगे, 1, यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, तो ये क्या आ जाएगा, ये 19 लिखेंगे, 1 हो सकता है व 9 हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे 252 है, ये कितना है, 252 कहाँ पे आता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ पे देखो 252 कहाँ पे है, 15 और 16 का अंदर आएगा, 15 और 16 का बीच में आएगा। तो अगर 15 और 16 का बीच में आएगा, तब इसमें स्मॉल नंबर कौन सा है, 15 है, पहले 15 हो गया। अभी मुझे लिखना है 151 आएगा कि 159 आएगा, इसको मुझे चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ये 252 है, तब पहले 15, सो कैन आई राइट 15 इनटू द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या है, 16 है, नेक्स्ट नंबर 16 है, 15 नेक्स्ट नंबर 16, इसका कितना आएगा, 0, सो कैन आई राइट, सो दिस पार्ट इट बिकम्स 240, कैन आई राइट दिस लाइन 240। देखो यहाँ पे 252 बड़ा है, 252 ग्रेटर देन 240, 252 देयर फोर कैन आई राइट 252 ग्रेटर देन 240, सो देयर फोर यहाँ पे क्या लेना है, मुझे जो बड़ा डिजिट है उसको लेना है, तो क्या आ जाएगा, 159। आई होप यू एन्जॉयड द सेशन एंड लाइक द ट्रिक्स दैट आई हैव शेयर्ड यू इन दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड राइट व्हाट एवर यू नीड इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इफ यू डू दैट आई विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।